सरहद पर लड़ते लड़ते कुर्बान हो जाना तो अभिमान की बात है। आज समाचार प्लस उस फौजी जवान के दरवाजे पर है जिसने चीन के नाकों में दम कर दिया था, और जब तक जान नहीं गई तब तक अकेले दम पर चीनी सैनिकों का सफाया करता था। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव का एक जवान चीन के लिए नासुर बन गया। 1962 की लड़ाई के बारे में जानने वाले तो जानते ही होंगे कि देश में अभिमान का आकाश फट पड़ा था। भारत और भारतीय का सीना एक हार के बावजूद बहुत चौड़ा हो गया था। उत्तराखंड के पौड़ी से लेकर अरुणाचल प्रदेश स्थित भारत चीन सीमा तक उस जवान को लोग आज भी याद करते हैं। जी हाँ, महावीर जब नाम सुना भी सिर्फ 17 साल की उम्र में जब पहले प्रयास में फौज में भर्ती नहीं हो पाया तो हार नहीं मानी, फिर से प्रयास किया, सेना में राइफल मैन के तौर पर भर्ती हुआ। अब जसवंत सिंह रावत जवान जसवंत सिंह रावत बन गया था। भारतीय सेना का ये वो जवान है जो कभी रिटायर ही नहीं हुआ और ना आगे कभी रिटायर होगा। माँ और छोटे भाई की आंखों में आज भी उस जवान की यादें बसी हुई है। घर की चार दीवारी, प्यारा सा आंगन, आज सब कुछ उसे पुकारता है। चार भाइयों में वो सबसे बड़ा था। सेना का वो जवान देशभक्त तो था ही, बहुत हिम्मती था, जज्बाती था, दोस्तों के लिए सबसे बड़ा यार था, दुश्मनों के लिए सबसे तेज तलवार था। उस दिवंगत जवान को हिंदुस्तान से लेकर चीन तक आज भी शहीद जवान बाबा जसवंत सिंह के नाम से जाना जाता है। ये तस्वीर उस सैनिक की है जो भारत चीन सीमा पर अकेले डटा हुआ था, जिसने 72 घंटों तक चीन की सेना को एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाने दिया। गोला बारूद खत्म होने पर उसने हार नहीं मानी, बल्कि चीन के ही हथियारों पर कब्जा कर उसके 300 से अधिक सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। बाबा जसवंत सिंह रावत एक ऐसा सैनिक जिसकी शहादत न केवल भारतीय सेना के लिए प्रेरणा बन गई, बल्कि चीनी सेना इस नाम से आज तक खौफ खाती है। 62 की लड़ाई में चीन हिंदुस्तान से तो जीत गया, लेकिन अकेले शहीद जवान जसवंत सिंह रावत से हार गया था। चीनी जवानों की रूहें आज भी कांप जाती हैं सिर्फ बाबा जसवंत सिंह रावत के नाम से। गुलाम भारत के पौड़ी के ब्यूरोखाल में साल 1941 के जुलाई महीने की 15 तारीख को गुमान सिंह रावत के घर किलकारी पहुंची। ये उस वीर की किलकारी थी जिसकी आवाज दहाड़ बनकर बाद में चीन तक पहुंच गई। घर का मेहनती लेकिन स्कूल में मध्यम दर्जे का छात्र जसवंत सिंह रावत 17 साल की उम्र में फौज में भर्ती होने पहुंच गया था। उम्र कम थी, वही बाध्यता भी बनी और जसवंत फौज में भर्ती नहीं हो पाए। छोटे भाई को याद है कि कैसे चने के लिए आपस में लड़ाई किया करते थे। उसे तो ऐसा था, पिता हम 5-7 जने थे उस टाइम, तो पिताजी की एक 40-50 रुपए की तनख्वाह थी, तो उसमें गुजारा नहीं होता था। भाई साहब हम लोग तो चने मिलते थे, तो उसमें चने में माँ हमारी गूंद गांध के रोटी राटी खिला के, मतलब बहुत मुश्किल हो गई थी। 7-8 जने का परिवार था और पढ़ाई के 4 रुपए भी नहीं निकलते थे, 2-2.5 रुपए फीस हुआ करती थी उस टाइम। और तो उन्होंने देखा ट्यूशन पढ़ा के भी गुजारा नहीं हुआ, तो फिर उन्होंने कहा पिताजी मैं भर्ती हो जाता हूँ। माँ ने भी मना करा, पिताजी ने भी कहा कि नहीं नहीं, कहा कि नेवी की भर्ती है, वहाँ पर मेरा हाई स्कूल तो हूँ, नेवी को नेवी वालों में हाई स्कूल पास ले रहे हैं, मेरे को नेवी में अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। तो वहाँ जैसे गए तो उन्होंने उसको 1 इंच छोटा बता दिया,
तो वहाँ एक कोई सूबेदार मिले, उन्होंने कहा अरे बोला क्या बात है, अरे फौज में भर्ती हो रही इधर, तो तू फौज में भर्ती हो जा। फिर एक दिमाग में आया कि यहाँ से 10 रुपये जो किराए 5 रुपये जो किराए के लेके गए थे, ये भी पिताजी कहाँ से आएंगे 40-50 रुपये की तनख्वाह में। तो दिमाग में आया तो उन्होंने कहा भाई मैं भर्ती हो जाता हूँ, पिताजी पे इतना जोर नहीं पड़ेगा, हमारे सब परिवार पल जाएगा। पहली बार तो फौज में कम आयु के कारण जसवंत का सिलेक्शन नहीं हो पाया था, लेकिन पूत के पांव तो पालने में ही नजर आ जाते हैं। वो दिन भी आ गया जब जसवंत सिंह रावत भारतीय सेना में 4 गढ़वाल राइफल में राइफल मैन के तौर पर भर्ती हुए। वो दिन था 19 अगस्त 1960 का। इसी के साथ शुरू हो गई बाबा जसवंत के वीरता की कहानी। उसके बाद जाते ही पलटन में जैसे वो पास आउट हुए, जाते ही नागालैंड में भी गए, तो नागालैंड में भी जब वो वहाँ उनकी ड्यूटी लगी तो उन्होंने एक ना कहा कि उस टाइम वो दांव लेके जंगली लोग आते थे, तो वो कह रहे थे तंबू, उस टाइम तो जंगल में क्वार्टर गार्ड भी तंबुओं का बना रहता था, तो वो ड्यूटी में थे तो एक नागे ने पीछे से क्या करा कि दांव लेके आया, तो भाई साहब देख छुप गए उसके पीछे, वहां से उन्होंने उसके पीछे से कवर करके मुंह में सीटी रख के सीटी बजा दी, तो 4 आदमियों ने नहीं उसे संभाल सका। भाई साहब ने बंदूक छोड़ कहता मैं तो मारने को मार सकता था पर मैंने देखूंगी इस पे कितना, उसका दांव समेत उसके पेट में पकड़ लिया जोर से, फिर सीटी बजाई तब तो उस नागा को पकड़ के लाए। तो उस टाइम बहुत बैकवर्ड हुआ करते थे नागा, क्योंकि आदमी को काट देते थे वो सामान लूट के ले जा लेते थे, तब उस टाइम भी उनकी बहादुरी का प्रतीक सब यूनिट ने उसको दाद दी। फौज में भर्ती होने के 1 महीने के बाद ही उन्हें अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर भेज दिया गया, जहाँ 2 चीजें तय थी। एक तो 2 साल के बाद चीन के हाथों हिंदुस्तान की पराजय, और दूसरा बाबा जसवंत के हाथों चीनी सैनिकों की पराजय। दोनों हुए भी जो आज भी इतिहास के पन्नों में सुर्ख स्याही से लिखा हुआ है। ये प्रकाश मेहरा के सेक्रेटरी आए थे, तो उन्होंने हमसे कहा कि हम इन पे फिल्म बनाना चाह रहे हैं, तो हमने कहा भाई हमें बड़ी खुशी है अगर आप इनकी रियलिटी रियल लाइफ के बारे में दिखाएंगे, तो हमें उससे ज़्यादा और खुशी मिलेगी, गवर्नमेंट की भी आँखें खुलेगी कि भाई इसने कैसी बहादुरी करी और क्या करा। ब्यूरो रिपोर्ट समाचार प्लस। उत्तराखंड तो वैसे भी वीरों की धरती है, लेकिन ये उस वीर की कहानी है जो सेना में भर्ती होते ही वीरता की कहानी को लिखने लगा था। उसकी हिम्मत को दाद दीजिए कि वो अकेले 72 घंटों तक अपने दुश्मनों से लड़ता रहा। चीन के 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 300 जवानों को उन्होंने अकेले खत्म कर दिया, वो भी उस परिस्थिति में जब भारतीय फौजी के पास साहस के सिवाय कुछ नहीं था। 1960 में जसवंत सिंह फौज का हिस्सा बने। ठीक 2 साल के बाद चीन के साथ हिंदुस्तान की लड़ाई हो गई। पश्चिमी देशों के इतिहास में आज भी कहते हैं कि उस वक्त भारतीय जवानों के पास हिम्मत और जज्बात के सिवाय कुछ नहीं था, लेकिन एक जवान था जो था तो अकेला लेकिन चीन के सैनिकों पर बहुत भारी पड़ा। बहुत अच्छा प्राउड फील होता है, एटलीस्ट मैं मेरे फ्रेंड लोगों के साथ बैठता हूँ तो वो लोग भी बताते हैं कि तुम्हारे ताऊजी के बारे में हमने ये सुना है, कि हमारे पापा लोग बताते हैं, कि फिर न्यूज में चैनल्स में आते हैं, तो मतलब डेली चलता ही रहता है कि तो बहुत प्राउड सा फील होता है। चीन हमारे मुकाबले बहुत मजबूत था, लेकिन पौड़ी के इस जवान ने मानो चीन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। भारतीय सेना को पोस्ट छोड़ने का आदेश दे दिया गया था, सेना वापस लौटने लगी थी, लेकिन 3 जवानों ने एकाएक फैसला किया कि बॉर्डर पर रहकर लड़ा जाएगा। ये थे राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, त्रिलोक नेगी और गोपाल गुसाई। तीनों कुछ देर तक तो लड़ते रहे, समय बीतता जा रहा था, चीन की सेना हिंदुस्तान के करीब आती जा रही थी, लेकिन इसी बीच जसवंत ने दोनों साथियों को वापस भेज दिया। अब एक अकेला जान चीन के सैनिकों को पानी पिलाने लगा। मदद की जरूरत थी, मिली भी। 2 बहनें शैला और नूरा ने जसवंत का भरपूर साथ दिया, लेकिन खेल तो तब बिगड़ गया जब शैला और नूरा के पिता ने चीन को इस बात की जानकारी दी। फिर क्या, सारा खेल मानो वहीं खत्म सा हो गया। वैसे
बड़े बड़े हिम्मत वालों की हलक सूख जाए ये सुनकर कि उसने अकेले 300 चीनी सैनिकों को मार गिराया था। छोटे भाई विजय उस वक्त तो काफी छोटे थे, लेकिन भाई के वीरता की कहानी उन्हें याद है। घटना में तो उस दिन हम बहुत छोटे थे। उस टाइम में जब हमें पता चला तो 15 दिन की महीने भर के बाद इसका डिक्लेरेशन हुआ, तो इंडिया गवर्नमेंट ने, तो यहाँ तक भी कहते हैं लोग कि इन्होंने कोर्ट मार्शल करा था, जो इनके साथ लड़कियाँ उमलेशन लाती थी और भाई सब फायर करते थे बराबर उनको मुकाबला के लिए, तो इन्होंने तो पहले कोर्ट मार्शल किया था। जब चाइना को पता चला कि यहाँ तीन जने हैं, ये लोग, दो लड़की और एक लड़का, उनके बाप को उन्होंने पहले कैप्चर करा, तो उनसे पूछा गया कि भाई यहाँ कौन है जो टाइना के, इंडिया का कितना डिवीजन यहाँ पे है जो मेरे को, मेरे चार डिवीजन को रोक के रखा। जब उसके जनरल को ये पता चला कि तीन आदमी, एक भारत के गौरवशाली सिपाही ने इतना बड़ा करा, तब उन्होंने इसको हम तब उन्होंने पीछे से जाके इनको भ्रष्ट मारा, और भ्रष्ट मार के वो पहले तो उन्होंने वहाँ पे कहते हैं एक लकड़ी का पेड़ था उसमें हैंकिंग करके फिर उसकी गर्दन काट के ले गए थे, तो उसमें जो तकमा मिला तब उससे पता चला कि यहाँ पे एक फौजी था जिसे आज अरुणाचल में जसवंतगढ़ नाम से जाना जाता है, तो तब हमें बहुत बाद में जाके इसका पता चला। 72 घंटों के लिए वो चीन को मजबूर कर दिए थे सिर्फ ये सोचने पर कि उस बंकर में कितने दर्जन भारतीय फौजी हैं। अफसोस वो अकेले थे, काश उनके साथ कोई और ऐसा ही हिम्मत वाला होता तो शायद तस्वीर कुछ और ही होती, इतिहास में कुछ और ही लिखा होता। युद्ध तो बीत गया, परिणाम भी आया, लेकिन चीन मान गया था कि वो शहीद बाबा जसवंत सिंह रावत के सामने जीत नहीं पाया। इधर भारतीय सेना ने ऑर्डर ना मानने पर जसवंत के कोर्ट मार्शल की तैयारी भी शुरू कर दी। जसवंत सिंह रावत का सर चीन ले गया था, बाद में लौटाया, साथ में कांसे की एक मूर्ति भी दी, प्रशंसा की, तब जाकर तत्कालीन सरकार ने मरणोपरांत उन्हें महावीर चक्र प्रदान किया और उन दोनों बहनों के नाम पर उन पहाड़ियों का नाम शैला और नूरा रखा गया जहां से भारतीय फौजी लड़ाई कर रहे थे। जब उनके सिर काट के वो ले गए थे, जब उनको बड़े सम्मान के साथ उन्होंने उस मंदिर में आज भी रखा हुआ है जिसको ये मतलब आज जसवंतगढ़ नाम से जाना जाता है और वहाँ पे उनका सिर है, वो इंडिया गवर्नमेंट ने नहीं दिया ये अवार्ड। हम चाहते हैं कि इसकी बहादुरी की 72 घंटे जो लड़ाई है इसका सही आलंकन करके माँ को माँ परमवीर चक्र दिया जाए। भारत पाकिस्तान के युद्धों पर आधारित तमाम फिल्में आप बड़े पर्दे पर देखते आए हैं, अब बारी गुस्ताख चीन की है। जल्द ही भारतीय सिनेमा बाबा जसवंत सिंह रावत पर एक फिल्म बनाने जा रहा है जिसकी कास्टिंग जल्द ही शुरू होने वाली है। हिंदी सिनेमा के मशहूर डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा अब फिल्म बनाना चाहते हैं बाबा जसवंत सिंह रावत पर। उनकी बातचीत हुई है परिजनों से, पूछा है उन्होंने कि कैसे थे जसवंत सिंह रावत बचपन में, उनकी आदतें क्या थी, और इन तमाम रिसर्च के बाद जल्द ही आपको बड़े पर्दे पर बाबा जसवंत सिंह रावत की वीरगाथा देखने को मिल जाएगी। वैसे तो देश के लिए कुर्बान होने वाला कोई भी जवान मरता नहीं है, वो तो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहते हैं, लेकिन शहीद बाबा जसवंत सिंह रावत का क्या सच में अभी भी वो जिंदा है? वैसे अभी भी उन्हें छुट्टी मिलती है, तनख्वाह मिलती है, ड्यूटी लगती है, प्रमोशन मिलता है, देखिए कैसे। कहते हैं कि शहीद बाबा जसवंत सिंह रावत आज भी जिंदा है। जिंदा है उनकी वो ताकत जो सेना के जवानों की ना सिर्फ हिफाजत करती है बल्कि हिम्मत देती है, जज्बात भरती है, शहादत के बाद भी उनकी ड्यूटी लगती है। घर से खत आते हैं, छुट्टी मिलती है, तनख्वाह मिलती है, प्रमोशन मिलता है। राइफल मैन के तौर पर भर्ती हुए जसवंत से अब मेजर जनरल बन चुके हैं। वैसे तो कोई भी सेना का जवान कभी मरता नहीं है, शहीद होता है, वो जिंदा रहता है, वो तो एक प्रेरणा है, लेकिन अभिमान का आकाश तो तब और ऊंचा लगता है जब ये पता चलता है कि शहीद बाबा जसवंत सिंह रावत अभी भी हमारे बीच है। उन्हें सुबह 4:30 बजे बेड्डी दी जाती है,
सुबह के 9 बजे नाश्ता, शाम के 7 बजे रात का भोजन, सेना के रजिस्टर में ड्यूटी की एंट्री भी होती है। कुल 5 जवानों को उनकी रक्षा में लगाया गया है। हर साल नई वर्दी दी जाती है, सोने के लिए बिस्तर लगाया जाता है, जूतों की पॉलिश की जाती है, फिर यूनिफॉर्म तैयार की जाती है। आश्चर्य तो लगता है, लेकिन है सच कि सुबह देखने पर पता चलता है कि किसी ने इसका इस्तेमाल किया है। समाचार प्लस आज शहीद बाबा जसवंत सिंह रावत के परिवार के साथ है। पूरा हिंदुस्तान जिस पर अभिमान करता है, सरकार ने शायद उन्हें कम करके आंक लिया। चाइना के गवर्नमेंट ने जब ये कहा कि हम इनको अगर भारत सरकार नहीं देगी तो हम अपने चाइना की तरफ से एक अवार्ड देंगे इस फैमिली को, तो इस फैमिली को फिर जो गर्दन काट के ले गए थे तो उन्होंने वहाँ तांबे की गर्दन काट के उनको सर्व करा। आज उस जगह वो मॉडल है आज भी, और आज भी लोग उसको आके सलामी करते हैं और याद करते हैं उनको। उनको काफ़ी पूजा जाता है, छुट्टी भी जाते हैं कई बार। तो लोग ऐसे हैं कि जिनको छुट्टी नहीं मिल पाती तो उनकी जगह भी उन्होंने कई बार ड्यूटी करी। असर में लोगों ने अचंभा तब हुआ कि जब लोगों ने वहाँ लड्डू बांटे कि भाई यहाँ पे फलाने फलाने जो छुट्टी गया था तो भाई यहाँ तेरी जगह ड्यूटी कौन कर रहा था, वो उस जगह प्रकट हो गए, उनकी ड्यूटी भी करी उन्होंने। आज भी उस जगह फेमस है। बताते हैं कि एक बार एक सोल्जर्स की राइफल की मैगजीन गिर गई थी ट्रेनिंग के दौरान, तो उसका लास्ट दिन था उस दिन कि जिस दिन कोर्ट मार्शल होना था, तो उन्होंने कहा सिख लाइट के थे वो जवान, तो उन्होंने कहा भाई बाबा के पास जाओ थोड़ा दुआ मांग के आओ, क्या पता तुम्हारे बाबा आज मदद कर दे। बताते रात के टाइम सपने में आए तो वहाँ गर्दन जो काट के ले गए थे वो धड़ी धड़ आते हैं, तो उन्होंने उसको कहा भाई तू मेरे को देख के घबराना नहीं, तेरी मैगजीन सुबह तेरे को कोर्ट में जमा करा देना, तेरे को नायब सूबेदार का प्रमोशन हो जाएगा। ऐसी घटनाएं बहुत है वहाँ पे। तो नेक्स्ट डे जब वो वहाँ हवलदार मेजर गया तो उसको वही मैगजीन पड़ी, क्या उठाओ और सीधा इसको कोर्ट में जमा करा, फिर उनका नेक्स्ट डे प्रमोशन हुआ। शहीद जसवंत सिंह रावत के नामों के आगे यूं ही बाबा नहीं लगाते हैं। इसके पीछे की कहानी ये है कि वो अभी भी जवानों के सपनों में आते हैं, उनकी रक्षा करते हैं और सरहद पर खुद की मौजूदगी दर्ज कराते हैं देश की खातिर। लोग तो इस टाइप से, एक बार एक जनरल बताते थे, हम तो वहां पहुंच नहीं पाए पर लोग वहां ही लोगों के मुंह से ही किस्से सुनते हैं इस टाइप के। एक जनरल साहब आए तो उन्होंने कहा भाई इससे बड़ा जनरल तो हम है, तो उन्होंने उसके ड्राइवर ने कहा साहब यहाँ सबको सलूट मार के जाना पड़ता है, तो कहने लगा नहीं आगे 300 गज आगे जाने के बाद उसका जोंगा पलट गया और एट द स्पॉट वो खत्म हो गया और ड्राइवर सही सलामत रहा। ऐसी कई घटनाएं हमारे को सुनने में आती है। और आज भी माँ के नाम से झूठ के बने वो 1800-1900 का ड्राफ्ट काट फट के देते हैं, कहते हैं इसके नाम से एक स्कूल चलते हैं और डिस्पेंसरी चलती है, हमें 1800 रुपये का मनी ऑर्डर वो तनख्वाह के तौर पर भेजते हैं हर महीने 1500-1600। इस शहीद के परिवार को सरकार से बहुत उम्मीद नहीं है। समाचार प्लस के सवाल पर भाई की मुस्कुराहट छूट जाती है। बताते हैं 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन शहीद को याद तो किया जाता है। ये बुला देते 26 अगस्त 15 अगस्त के दिन एक वो करते हैं थोड़ा सा बस सम्मान दे देते हैं, यही काफी समझते हैं हम इन लोगों के लिए, और क्या देंगे हमें। अरुणाचल प्रदेश में आज उनके नाम पर एक नगर बसाया गया है जसवंतगढ़, वहां उनकी प्रतिमा लगाई गई है, उनकी यादों में लिखा गया है, एक पूरा नगर नुमा आकार दिया गया है। ये जसवंतगढ़ बिल्कुल बॉर्डर पर है जिसके ठीक बाद चीन की सीमा शुरू हो जाती है। यही उनकी एक और प्रतिमा लगाई गई है जो याद दिलाता है कि वो गढ़वाल रेजिमेंट से थे, बाबा बद्रीनाथ के नगरों से थे। उनकी मां अब 95 साल की हो चुकी है। जसवंत के फौज में जाने की खुशी साल भर के अंदर ही गम में बदल गई थी जब सरहद से खबर आई कि घर का लाल देश के लिए कुर्बान हो गया है। 18 वर्ष की उम्र में जो सैनिक युद्ध के मैदान में दुश्मन सेना के 300 से अधिक सैनिकों को मौत के घाट उतार दे, इससे बड़ा फिल्म निर्माताओं के लिए क्या मसाला होगा। ये फिल्म जसवंत सिंह रावत के जीवन पर आधारित है
और साफ बात है कि बॉक्स ऑफिस की रेस में ये फिल्म आगे रहेगी और लोग भी इसे पसंद करेंगे। लेकिन थिएटर में बैठकर इस फिल्म को देखते हुए एक बात को ना भूला जाए कि इस सेना के जवान को अभी तक परमवीर चक्र नहीं मिल पाया है। कैमरामैन पवन के साथ हेमबर्ट, समाचार प्लस, देहरादून।